शरीर में जीती है भटकती है, उसे देखा नहीं जा सकता, महसूस जरूर किया जा सकता है। और तब शरीर के जाने पहचाने व्याकरण से बिल्कुल भिन्न वे अनुभव आध्यात्मिक होता है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इस मुश्किल से गुजरे हैं श्री जतिन दास और इसे उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव के रूप में कैनवस पर उतारा है। 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली वासियों को उनके चित्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन देखने का अवसर मिला है। श्री दास के लिए पेंटिंग स्वान सुखाए के लिए है, अपने चिंतन एहसास और भावनाओं को जीने का साधन। चित्र का एक अपना भाषा होता है, वो भाषा जानकारी जरूरत है, वो भाषा को समझना जरूरी है। वो भाषा जब कोई जाने फिर चित्र अपना आप रास्ता खोल देता है देखने के लिए। इस प्रदर्शनी में 120 चित्र हैं, जिसमें ऑयल और वाटर कलर के अलावा रेखा चित्र भी हैं। उनके चित्रों में दर्शाए स्त्री पुरुष किसी समय या देश काल में बंधे नहीं हैं। वे अपने प्राकृतिक रूप में हैं, केवल अपने आप से जुड़े और अपने आप में सिमटे। ये शरीर, ये जो मनुष्य है, ये यहाँ का दैनिक जीवन का मनुष्य नहीं है। ये मनुष्य कुछ ख्वाहिश है इसमें, वो कुछ आध्यात्मिक चिंतन के साथ जड़ित है। श्रीदास एक कवि भी हैं और शायद इसीलिए उनके चित्रों में काव्यात्मक बोध भी है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में इस प्रदर्शनी के उद्घाटन पर उनके बहुत से मित्र और चाहने वाले भी एकत्रित हुए।